आस पास तक शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। माफ करना सरदार, ज्यादा पूछताछ की तो तुम्हें लगा दूंगा। क्या वो साइंटिस्ट यहीं रहता है? एकदम, मैंने पूरी जांच पड़ताल की। ये हटाओ, बस बताओ कि उसके घर में कौन कौन है। एक छोटा सा कुत्ता, एक टीने का रोबोट। लोग भी रहते हैं कि नहीं वहाँ? है ना। बढ़िया, तो फिर चलो। साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। चलो ऐसे मुड़ो। जूली, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने नहीं सिखाया कैसे तेजी से स्केट्स चलाते हैं? साथ ही खेलूंगी। लेकिन जूली, माइटी राजू से तुम्हारी फ्रेंडशिप कब, कहां और कैसे हुई? और वो रहता कहां है? उसने मना किया है बताने के लिए। जूली, हम किसी को नहीं बताएंगे। बताओ ना, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बना और वो तुम्हें कहां मिला? राजू, मतलब वो सच कह रहे थे। कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है, वो हमारे हवाले नहीं किया तो? नहीं, कुछ मत करना उसे।
मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चीकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। जल्दी करना पड़ेगा। अंदर रखे होंगे, वरना अगर राजू देखेगा तो अभी ही खत्म कर देगा। जी चीकी, तो मम्मी के साथ मिल गई। आइडिया, टिकटॉक स्केटी का रिमोट ऑन करो। बढ़िया, अब स्केटी एकदम सीधे जाओ। अब स्पीड बढ़ाओ स्केटी। झट से ब्रेक। ओह नो मम्मी, मैक ट्रैक खींचो। अरे ये शो कितना फनी है। मैकी